और दुर्वासा ऋषि जी के द्वारा श्राप दिया गया था रुक्मणी देवी जी को, रुक्मणी माता जी को। तो रुक्मणी माता के साथ साथ उनका ठीक है जीवन, उनका ठीक है किस तरीके से श्राप से उन्हें मुक्ति मिली, ये सारी चीज़ें हमने कवर की इस वीडियो में। जय रुक्मणी जी। भीष्मक की कन्या है, सोने की द्वारका की महारानी है, जिन्होंने कभी स्वप्नों में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कभी ऐसा दिन आएगा मुझे ये रथ खींचने का काम करना पड़ेगा। रथ खींचने के वजह से रुक्मणी देवी को जल की पानी की प्यास लगती है। वो भगवान द्वारिका नाथ को कहती है कि हे अन्नदाता, अब मेरे से रथ खींचा नहीं जाता है, मेरे हाथ में पैर में छाले पड़ गए, मेरा कंठ व्याकुल है, मुझे जल की प्यास लगी है, परमात्मा आप हमें जल पिलाइए। भगवान द्वारिका नाथ ने रथ को बीच में रोक दिया, अपना दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया, भूमि में से माँ गंगा को उत्पन्न किया, रुक्मणी देवी को गंगा जल पिलाकर उसकी सारी प्यास बुझा दी। ये जगह द्वारिका नगरी से करीबन 23 किलोमीटर दूर टूपणी करके एक छोटा सा गाँव है। भगवान कृष्ण द्वारिका नाथ ने निकाली चरण गंगा आज भी मौजूद है। जैसे ही गंगा मैया बार आई, माँ रुक्मणी प्यासी थी, जल पिया ये देखकर भगवान द्वारिका दीश ने जल पिया, दोनों की प्यास बुझ गई, दोनों के कलेजे में ठंडक भी लग गई। मगर जलबाजी में ये भगवान द्वारिका नाथ माँ रुक्मणी से मिस्टेक, गलती ये हो गई। रथ में विराजमान माँ मुनि दुर्वासा ऋषि को पूछना चाहिए, महाराज आपको जल प्रसाद पीना है कि नहीं। दुर्वासा महाराज को नहीं पूछा, दुर्वासा ऋषि है वो क्रोधी ऋषि है, उसको गुस्सा आ गया, उसने भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी को श्राप दे दिया। पहला नंबर का श्राप माँ रुक्मणी को दिया कि देवी आपने क्या समझकर ब्राह्मण को घर भोजन के लिए बुलाया, रुक्मणी तूने ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया, जल का पानी का आग्रह नहीं किया, आपने ऋषि कुल का गुरु कुल का अपराध किया है, देवी मैं आपको श्राप देता हूँ कि तुम भगवान द्वारिका नाथ को इतना प्यार करती हो, इतना चाहती हो, मेरा श्राप रहेगा आपकी द्वारिका नगरी में, आपका और भगवान द्वारिकाधीश का 12 साल का जुदाई हो जाएगा। तो भगवान के वियोग में ये पवित्र भूमि जहां आप खड़े हो वहां 12 साल तप और भक्ति किया, इसके फलस्वरूप ठाकुर जी का मंदिर गांव में है, माँ रुक्मणी बड़ी पटरानी है, फिर भी भगवान से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर रुक्मणी देवी का प्राचीन मंदिर सिर्फ 2 जगह के ऊपर आया हुआ है, एक मंदिर ये द्वारिका नगरी में, दूसरा मंदिर महाराष्ट्र के अंदर पंडरपुर में विठ्ठल रुक्मणी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भगवान का परपोता राजा वज्रनाभ ने इस प्राचीन मंदिर का निर्माण किया है। दूसरा नंबर का श्राप भगवान द्वारिका नाथ को दिया, मेरी आज्ञा के बिना आपने गंगा को उत्पन्न किया, रुक्मणी देवी को आपने गंगा जल पिलाया, हे द्वारिका के नाथ मैं आपकी द्वारिका नगरी को श्राप देता हूँ कि आपकी द्वारिका नगरी वो कली काल में सोने की द्वारिका होगी, 4 धाम 7 पुरी में प्रमुख द्वारिका होगी, आपकी द्वारिका नगरी में आने वाले हर यात्री को यहाँ तन की मन की शांति मिलेगी, मरने के बाद उस आत्मा को यहाँ मोक्ष गति प्राप्त होगी, इसलिए द्वारिका नगरी को मोक्षपुरी धाम भी कहा जाता है। मगर मेरा श्राप रहेगा आपकी द्वारिका नगरी में आज जीवन कभी पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलेगा, आपकी भूमि का पानी हमेशा के लिए नमकीन वाला सोल्टी खारा पानी बन जाएगा। आज भी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ये द्वारिका नगरी में कुआ करो, बोरिंग करो, हैंडपंप बिठाओ, कितना भी बारिश गिरे ये भूमि में से जो पानी प्राप्त होता है वो समुद्र महाराज का नमकीन वाला खारा पानी मिलता है। 12 साल परिपूर्ण हुआ, भगवान द्वारिका नाथ और माता रुक्मणी ने दुर्वासा महाराज का पूजन किया, अर्चन किया, वो दुर्वासा ऋषि ने पति पत्नी को जैसे श्राप दिया था ऐसे आशीर्वाद प्रदान किया, आशीर्वाद ये दिया कि जो यात्री यात्रा के नाम से द्वारिका नगरी में आएंगे, आप भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करके चाहे कितना भी दान धर्म करके अपने गांव चले जाओ, घर जाके बोलो मैं द्वारिकाधीश की यात्रा करके आया, आपकी आधा यात्रा होती है। माँ रुक्मणी को दुर्वासा ऋषि ने आधा यात्रा की मालकिन बनाया, इसका दर्शन करने से यात्रा परिपूर्ण होती है और यहाँ आने वाले यात्री माँ रुक्मणी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद जब आप नीचे उतरोगे, सामने पटांगण में पानी का प्याऊ है, वहाँ पे आपको जाना है, माता रुक्मणी का प्रसाद समझकर, गंगाजल समझकर आपको यहाँ जल का प्रसाद लेना है। दूसरा मेन कार्य ये मंदिर में यहाँ जल का पानी का दान, आपके घर में परिवार में कुटुंब में सात पीढ़ी में
अगर कोई छोटा बड़ा दादा दादी माता पिता भाई बहन बेटा बेटी चाचा चाची मौत से बेमौत से गुजर गए, किसी ने द्वारिकानाथ माँ रुक्मणी की यात्रा किया, किसी ने नहीं किया, पितृ शांति के लिए ये मंदिर में जल का पानी का दान करने की बड़ी महिमा है। यहाँ जो जल आता है वो 20 किलोमीटर दूर ट्रक टैंकर के माध्यम से पानी आता है, उसका चार हिस्सा होता है। पहला हिस्सा पानी का प्याऊ के लिए जाता है, आने वाले यात्री माता का प्रसाद समझकर पानी पीते हैं। दूसरा हिस्सा गौ माता के लिए जाता है। तीसरा हिस्सा ये गेट के बाहर जहाँ साधुओं भिक्षावृत्ति करने बैठे उनके लिए जाता है। आखिरी हिस्सा ये जगदम्बा का सुबह अभिषेक होता है, दोपहर को 12 बजे माता को जो महाभोग नैवेद्य लगता है उसके अंदर ये जल का इस्तेमाल होता है। अगर किसी यात्री की इच्छा है, मर्जी है कि अपने परिवार के नाम से ये देवी के दरबार में पानी का दान करना है, कोई पूरा महीना भर पानी का दान करे तो 9,000 रुपया लगता है, 15 दिन पानी का दान करे 4,500 रुपया लगता है, कोई एक टैंकर पानी का दान करे उसका 1500 रुपया लगता है। ये दान करना के नहीं करना वो आप जाने, माँ रुक्मणी जाने। बोल रुक्मणी मैया की। हो गया पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम है यशवंत मगनलाल दवे, यानी कि मेरे इन टू ब्रैकेट मेरे को लाला भाई के नाम से पूरी द्वारिका में जाना जाता है। हम लोग हैं द्वारकाधीश मंदिर के पास है रुक्मणी मंदिर, वहाँ के प्रांगण में। अभी जैसा वीडियो में आपको पंडित जी ने बताया कि यहाँ के पीछे क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है रुक्मणी मंदिर के पीछे, द्वारकाधीश जी से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे जैसे भगवान द्वारकाधीश जी के वस्त्र चेंज किए जाते, सेम का वस्त्र यहाँ पर रुक्मणी माता जी को भी पहनाए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं। और ये सामने द्वार है रुक्मणी माता मंदिर के, और सामने रुक्मणी माता जी बैठी हुई हैं। यहाँ पर जो दान किया जाता है वो जल दान किया जाता है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दिया था रुक्मणी माता को, तो उसी के एवज में यहाँ पर जो दान किया जाता है वो जल दान किया जाता है, और प्रसाद के रूप में भी जल का ही लिया जाता है। बाकी यहाँ कोई खास ऐसा प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है और मंदिरों की तरह। तो यहाँ पर जब दुर्वासा ऋषि जी को भोजन के लिए श्री कृष्ण भगवान जी यानी हमारे द्वारकाधीश जी ने बुलाया था, तो और रुक्मणी माता जी और द्वारकाधीश जी दोनों अपने रथ में से घोड़ों को हटा के और उनको खुद लेकर आते, रुक्मणी माता जी को प्यास लगी तो कृष्ण भगवान जी ने अपने पैर के अंगूठे से गंगा जी को उत्पन्न किया और फिर ठीक है रुक्मणी माता जी की प्यास को बुझाया। तो उस टाइम क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दिया उनको कि तुम ऋषि को लेकर आए हो यहाँ पर और ना तुमने उनसे भोजन पूछा और ना जल पूछा, तो तुम्हें प्यास रहना पड़ेगा। 12 साल तक दूर रही रुक्मणी माता जी और उनसे दूर ठीक है ये मंदिर बनाया गया आपका। तो ये ठीक है मंदिर आपका सामने द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल सामने पड़ता है। द्वारकाधीश जी पे जो पताका आप देख रहे हैं, झंडा जो देख रहे हैं वो आपका 52 मीटर का होता है। जब किसी की श्रद्धा और जो मन में इच्छा होती है वो पूरा हो जाता है, यहाँ पर वो 13 मीटर की होती है आपकी ध्वजा। अब ये देख सकते हैं ऊपर मैंने ध्वजा भी दिखाई आपको, ये जैसे किसी की मन्नत पूरी हो जाती वैसे ही ठीक है वो चेंज करते हैं आपका। और किसी के मन में कोई भी श्रद्धा से अपने मन में कोई इच्छा लेकर आते हैं तो कहते हैं कि ठीक है उसकी यहाँ से सभी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है, सच्चे मन से मांगी हुई हर इच्छा को यहाँ पे पूरी होती है। और द्वारकाधीश जी के दर्शन के बाद अगर आप वापस लौट जाते हैं रुक्मणी माता जी टेम्पल के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी की पटरानी रुक्मणी देवी रुक्मणी माता के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी है। आप जब भी द्वारका आए सबसे पहले द्वारकाधीश जी आपके और उसके बाद रुक्मणी माता जी के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपकी यात्रा पूरी होगी और आपको यात्रा का लाभ मिलेगा। ये आसपास का एरिया जो ठीक है आपको दिखा रहे हो, और यहाँ बड़ी ही शांति और पीस है। इससे आगे जाके आपका लगभग
25 किलोमीटर आगे जाके भेट द्वारका आते हैं, जहाँ एक टापू है और उस टापू पे जहाँ द्वारकाधीश ने अपना रेजिडेंस यानी कि अपना निवास स्थान बनाया था, और वहीं सुदामा जी उनसे मिलने के लिए गए थे 3 मुट्ठी चावल लेके। तो वो भेट द्वारका के नाम से जानी जाती है, जहाँ उनका समस्त परिवार के साथ वो रहते थे। बाकी की डिटेल आगे की वीडियो में। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। इस पावन भूमि श्री द्वारिका नगरी के गोपी तालाब ये घाट का यहाँ का महिमा ऐसे बताया गया है, जैसे महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका था तो अर्जुन को घमंड आ गया था कि मेरे समान कोई नहीं। तो भगवान ने उसी भक्त को जैसे उसके अंदर रहते हुए अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया गया था कि हे अर्जुन, सारी ये गोपियाँ है उसको वृंदावन से सब यात्रा करते करते वापिस आप वृंदावन लेके आइए। तो अर्जुन ने सारी गोपियों को लेकर आ रहे थे द्वारका नगरी तरफ, और तो यहाँ बीच में भगवान ने अपनी शक्तियों से एक तालाब बनाया गया था। तो उसी तालाब ऐसा रचा गया था कि गोपियों ने देखकर सोचने लगी कि ऐसा हमने जल कहीं देखा नहीं है, ना मथुरा में देखा ना वृंदावन में ऐसा जल देखा। ऐसा जल देखकर गोपियों को स्नान करने का मन हो गया था। सारी गोपियाँ अर्जुन को रथ रुकवा कर यहाँ पे सर्व गोपियों स्नान करने लगी। वैसे गोपियों का वस्त्र जो बाहर रखे हुए थे तो भगवान ने अपनी माया शक्तियों से भील जातियों को उत्पन्न किए गए थे। तो उसी भील जातियों द्वारा अर्जुन के साथ युद्ध हुआ था। अर्जुन एक को मारते थे यहाँ दो यानी के दुगना उत्पन्न हो जाते थे, ऐसे संख्या बढ़ती गई तो अर्जुन स्वयं थक गए। तब अर्जुन थक कर भगवान श्री कृष्ण को याद किया, तब भगवान प्रकट हो चुके थे कि तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्ण चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान के चारे हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म भगवान धारण किए रखे थे। उसी भगवान को देखकर नारायण का दर्शन किया और अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु क्षमा कीजिए, मैं जानता हूँ ये आपकी लीला है। हे भगवान, आपने मेरा अहंकार दूर किया गया है, अब ये गोपियों का क्या करे। तब भगवान ने बताया गया था कि गोपियों की ये मेरी ही लीला थी, इसलिए भगवान यहाँ भगवान सर्वे गोपियों को यहाँ से भगवान वैकुंठ ले गए थे। और यहाँ से गोपी जो तालाब है उसमें स्नान किया गया था, इसलिए इस घाट का नाम गोपी तालाब बताया गया है। हर कोई भक्त यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, गोपी तालाब में स्नान करते हैं और उसका प्रसाद ले जाते हैं। यहाँ का गोपी चंदन गोपी तालाब का नाम से प्रसिद्ध है, वैसे सर्व प्रसाद में ले जाते हैं। यहाँ भी गोपी महारानी से माँ रुक्मणी जी का अपन स्थान बताया गया है, उसी का भक्त दर्शन करते हैं। सर्व माता बहनों भाइयों मेरे मित्रों, ये इस द्वारका नगरी के अंदर इस गोपी तालाब के अंदर माता रुक्मणी माता यानी कि गोपी महारानी रुक्मणी देवी का ये स्थान बताया गया है। और सर्वे भक्त को जब आपको कोई समय मिले तो यहाँ भगवान का अवश्य दर्शन करने के लिए आप पधारिए। नमस्कार, मैं अनिल महाराज शास्त्री जी, मैं यहीं रहने वाला यानी कि मीठापुर के रहने वाला हूँ और मैं यहाँ का सेवा पूजा करता हूँ और सर्वे मेरा भक्त को प्रणाम है। जय श्री कृष्ण। जय द्वारकाधीश। आज हम लोग हैं द्वारकाधीश नगरी में, और द्वारकाधीश नगरी के पास आपकी रुक्मणी टेंपल के अंदर हैं आज हम लोग। रुक्मणी टेंपल का क्या इतिहास है और किस रीज़न की वजह से ठीक है रुक्मणी टेंपल अलग है द्वारकाधीश जी के टेंपल से। द्वारकाधीश में सिर्फ द्वारकाधीश जी की सिंगल प्रतिमा है और यहाँ पर रुक्मणी माता जी की अलग प्रतिमा है।
और द्वारकाधीश जी के दर्शन के बाद क्यों जरूरी है आपके रुक्मणी माता जी के दर्शन करना, उसके बिना यात्रा अधूरी क्यों है, ये सब डिटेल आपको मिलेगी हमारी वीडियो में। और यहाँ पर किस तरीके प्रकार का दान किया जाता है, प्रसाद में क्या लेना चाहिए और किस तरीके का प्रसाद चढ़ता है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में, यहाँ के जो पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, उन्होंने डिटेल में बताया गया है सारा चीज़ें, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी इम्पोर्टेंट आप वीडियो मिस ना करें। ये जो एरिया है आपका द्वारकाधीश टेम्पल से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, और यहाँ आने के लिए द्वारका नगरी ये आपकी सावन सप्तपुरी में से एक वो आती है, दूसरा ये बड़ी चार धाम यात्रा में से एक मानी जाती है आपकी। छोटी चार धाम यात्रा हमारी उत्तराखंड में होती है और बड़ी चार धाम यात्रा में से आपकी रामेश्वरम, आपकी जगन्नाथपुरी, आपकी द्वारकाधीश, ये इसमें से एक हमारी ठीक है जो यात्रा है ठीक है मेन मानी जाती है। और कहते हैं कि इंसान ने अगर यहाँ पर एक बार दर्शन कर लिए तो जीवन मृत्यु से उसे छुटकारा मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। तो यदि आपका कभी भी भविष्य में प्लान अहमदाबाद आने का, तो अहमदाबाद से 600 किलोमीटर की दूरी पे द्वारकाधीश जी टेम्पल है, और वहीं पे द्वारकाधीश जी के पास में 1.5 से 2 किलोमीटर पे रुक्मणी टेम्पल है। दोनों के दर्शन कीजिए और श्री द्वारकाधीश जी का और रुक्मणी माता का आशीर्वाद आप प्राप्त कीजिएगा। यहाँ पर जलदान की प्रथा है, जलदान में क्योंकि यहाँ जितने भी जल आता है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप देने के बाद यहाँ का जो पानी है वो खारा पानी है, और तो इसलिए यहाँ पर टैंकर के द्वारा पानी आता है। मंदिर में जो प्रसाद के रूप में मिलता है वो यहाँ पर जल मिलता है आपको, और यहाँ पे जल दान की प्रथा है या गौ दान की प्रथा है, तो प्रसाद के रूप में भी आपको यहाँ पे जल ही मिलेगा।